मैं एक लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, मुझे अलग अलग लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है। हमेशा लोगों ने बोला है कि मैं दिल्ली की लड़की की तरह साउंड करती हूँ, जो मैं आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट एज वेल। मैं कॉलेज नहीं गई, मैं 17-18 साल की उम्र से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, कंप्लीट नहीं किया था कॉलेज। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो मैंने एक फिल्म करी थी कच्चे लींबू। खुद से हमेशा यही सवाल पूछती हूँ कि मैं क्यों एक्टर बनना चाहती थी। मैं एक लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, मुझे अलग अलग लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक ये एक सोल रीज़न है जो मुझे यू नो मेरी चॉइसेस को इफ़ेक्ट करता है, जो भी मैं एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में लेती हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है कि वो चीज़ मुझे डरानी चाहिए, बहुत चैलेंज करनी चाहिए। सो मुझे हमेशा लोगों ने बोला है कि मैं दिल्ली की लड़की की तरह साउंड करती हूँ, जो मैं आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट एज वेल। पर यहाँ पे एक मौका मिला था महाराष्ट्रन लड़की प्ले करने का, तो उसकी डायलैक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो कहाँ से आती है, उसकी ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आया। बिल्कुल, हमने मराठी में मराठी की क्लासेस ली थी फॉर गुड 2-3 मंथ्स, एंड मराठी गाने सुने थे मैंने, और बॉडी लैंग्वेज, एक लोकल सलून है वहाँ पे सिर्फ मराठी बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे सर्विसेज कराने चली जाती थी, नील सर्विसेज या कुछ। सो आई थिंक ये इन चीज़ों ने काफ़ी मेरी मदद करी। आई थिंक जितने सपने मेरे अधूरे रह गए थे वो मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू पूरे कर लेती हूँ। लाइक मैं कॉलेज नहीं गई, मैं 17-18 साल की उम्र से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, कंप्लीट नहीं किया था कॉलेज। तो जब मैं अंग्रेज़ी कर रही थी तो मुझे वो कॉलेज का सपना थोड़ा पूरा हुआ कि क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या कैसे एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके कैसा फील होता है। या मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, तो मैंने एक फिल्म करी थी कच्चे लींबू, तो उसमें मैंने वो सपना पूरा कर लिया। मुझे लगता है कि जो मेरे खुद के अधूरे सपने रह गए थे वो कहीं ना कहीं मैं अपने किरदारों के थ्रू पूरे कर लेते हैं। मुझे याद है एक दिन हमारा, मुझे सुबह के 4 बजे का कॉल टाइम दिया हुआ था, और मैं थोड़ा कॉल टाइम से पहले आ जाती हूँ, तो मैं 3:50 पे आ गई होंगी थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, या थोड़ा कि हाँ मेरे को 4 बजे का दिया, मैं 3:50 पे आती हूँ। अब मैं अपनी वैनिटी में घुसी और एक एडी भागते भागते आया, और उन्होंने बोला जल्दी रेडी हो। मैंने जल्दी क्यों रेडी हो, मैं तो पहले आई हूँ कॉल टाइम से, मैं आराम से अपना टाइम लूँगी जो भी आपने मुझे दिया है सेट पे टाइम आने का। कितने अक्षय सर 3:30 क्या है। सो मैं जितनी भी प्रोफेशनल हो जाऊँ वो मुझसे एक कदम आगे ही थे, एंड ही इज़ अ थारो प्रोफेशनल, एंड आई लव दैट क्वालिटी।